नमस्कार, चलिए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, राज्यसभा की 18 सीटों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। जून में 19 तारीख को इसी महीने चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट, कोरोना के कारण चुनाव पर रोक लगा रखी थी। 7 राज्यों की 18 सीटों पर चुनाव होने थे, राजस्थान में भी 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे। 19 जून को चुनाव अब होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है, मार्च में ये चुनाव होने थे लेकिन अब कोरोना की वजह से 19 जून को ये चुनाव होंगे। अब डेट फाइनल की गई है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर और सामने निकल कर आ रही है, बाकी बचे हुए पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। बाकी बचे हुए पंचायत चुनाव को लेकर भी अब तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस बार कई पंचायतें हैं जिनमें चुनाव नहीं हुए हैं। कई गाँव में अभी तक न तो कोई सरपंच बन पाया है न ही वार्ड पंच। अब पंचायत राज चुनाव भी जल्द हो सकते हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना का फ्री इलाज होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद चिकित्सा विभाग ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान हमें कई प्रकार की ऐसी शिकायतें मिली है। कई निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों के उपचार नहीं कर रहे हैं, उनको तत्काल रेफर कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि ऐसी सोच सरासर गलत है। ऐसे में उन सभी निजी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और अब अगर ऐसी शिकायत आई तो निजी अस्पतालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरल भाषा में बात करें तो अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना का फ्री इलाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गाइडलाइन भी जारी की है। अगर निजी अस्पताल इलाज नहीं करते तो अब उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कमेंट बॉक्स में कई प्रकार के सवाल बसों को लेकर आ रहे थे, तो हम आसान भाषा में बात करते हैं। सार्वजनिक बसें शर्तों के साथ चलने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन जो रेड जोन में क्षेत्र है वहां ये बसें बाईपास होकर निकलेगी। बफर जोन में जो क्षेत्र है वहां जिला प्रशासन तय करेगा कि वहां बसें चलनी है या नहीं। बाकी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक बस सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, जहां जिस क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं वहां ये सुविधा नहीं मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे कि आप कौन से जोन में हैं और बसें क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की इजाजत के बिना ये बसें नहीं शुरू होगी। जिस जिले में कोरोना संक्रमित लोग ज्यादा मिल रहे हैं वहां पर भी ये बसें बाईपास होकर गुजर रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।